हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन मैंने इससे पहले बताए थे, तो ये नेक्स्ट है। जब परिपथ में प्रेरकत्व तो एल व प्रतिरोध आर हो, यानी कि एल और आर क्या है, श्रेणी क्रम में जब जुड़े हुए होंगे, तब जो प्रतिघात होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी और जो फाई है उसका मान क्या आएगा, यह भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमने L के लिए पढ़ा था, ये VL किसके लिए है, L के सिरों के बीच विभवांतर है, R VR R के सिरों के बीच विभवांतर है, ये धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ये सिंबल होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो L है VL के लिए अगर धारा I को देखें तो जो VL होता है वो धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, आगे चलता है, अग्रगामी होता है, और R के लिए क्या होता है, समान होता है। तो यह डायग्राम हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये VR हो गया, यानी कि I और R VR दोनों क्या होते हैं, समान दिशा में होते हैं। और L के लिए जो V की वैल्यू होती है, विभवांतर की वैल्यू होती है, इट मीन्स VL वो I से 90 डिग्री आगे चलता है। तो इसका परिणामी निकालने के लिए ये हो गया हमारा, इसका परिणामी V। तो इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हमें परिणामी V निकालना है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, V स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है यहाँ पर, इसके बारे में हमें लिखना है कि एक परिपथ में जब प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब उसका विभवांतर L के लिए विभवांतर VL तथा R के लिए विभवांतर VR होगा। तो ये सब यहाँ पर लिखना है, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी, इससे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, V स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर इक्वल्स टू होता है आई आर और वी एल इक्वल्स टू होता है आई एक्स एल, ये एल के एल वाले परिपथ में पढ़ा था। वैल्यूज पुट कर देंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा। अब क्या करना है, आई स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आएगी। और वी अपॉन आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वी अपॉन आई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और ये जो वी अपॉन आई है ये क्या है, ये जो परिपथ है इसके मार्ग में क्या करता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा यानी कि z। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। z क्या है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध, ये भी प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करेंगे, L और R सर्किट के लिए Z से। तो ये भी प्रतिरोध ही है, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये हो गया प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। हम अगर इसको f की टर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी इसको लिखा जा सकता है। अब बात आती है किसकी, कलांतर की। अगर कलांतर फाई हो तब tan phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन वी आर। वी एल हमारा आई एक्सएल होता है, वी आर आई आर होता है, आई से आई कैंसल, तो एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल को हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा की जगह हम टू पाई एफ भी लिख सकते हैं, टू पाई एल एफ एल अपॉन आर।
तो ये इसके फॉर्मूले हो जाएंगे टेन फाई के लिए। अगर एल को हम ज़ीरो ले लें, यदि एल को हम क्या ले लें, ज़ीरो ले लें, तो हमारा फाई क्या हो जाता है, ज़ीरो डिग्री होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा वी आर और आई दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। तो इसमें क्या करना है, एक तो ये कला आरेख बनाना है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ, और एक ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम अगर ये डेरिवेशन आता है तो इसको करना ज़रूरी होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है क्या, जब परिपथ में धारा सी तथा प्रतिरोध आर हो, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, सी होता है ये, आर हो गया ये, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से कनेक्ट कर दिया। इक्वेशन क्या होगी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होगा सी के लिए यानी कि वी सी होगा, और इसके लिए क्या होगा, आर होगा। तो फिर से हमें देखना है कि वी सी यानी कि जब परिपथ में धारिता लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, तब धारा के साथ में जो वोल्टता होती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो अगर हम पीछे की डेरिवेशन देखें तो R के लिए तो सिंपल है, R के लिए तो क्या होता है, समान दिशा में रहती है। I क्या होता है, I और VR समान दिशा में होता है। लेकिन अगर हम C की बात करें तो C के लिए जो विभवांतर होता है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये बन गया हमारा 90 डिग्री पश्चगामी, ये जो उल्टा है यानी कि ये 90 डिग्री पश्चगामी को शो कर रहा है VC। तो यहाँ से क्लियर है कि I R के लिए I और VR दोनों साथ साथ चलते हैं, समान कला में होते हैं, लेकिन C के लिए जो विभवांतर होता है वो I से 90 डिग्री क्या चलता है, पश्चगामी चलता है। तो अगर हमारा ये एंगल फाई है तो परिणामी V हमारा इस तरीके से ये शो होगा। तो इसमें भी क्या करना है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, वी सी इक्वल्स टू क्या होता है, आई एक्स सी। वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज वी अपॉन आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और वी अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, प्रतिबाधा, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, जब परिपथ में धारिता सी और प्रतिरोध आर अटैच होंगे तब प्रतिबाधा का ये सूत्र आ जाएगा। एक्स सी हमने पढ़ा है कि एक्स सी इक्वल्स टू होता है वन अपॉन ओमेगा सी, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। और ओमेगा सी को हम यहाँ पर एफ की टर्म में भी लिख सकते हैं। अब बात आती है किसकी, टेन फाई निकालने की, कलांतर निकालने की बात आती है। तो टेन फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी सी अपॉन वी आर, वी सी अपॉन वी आर। ये शायद समझ में आ रहा होगा कि टेन फाई, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कितना हो गया, वी सी अपॉन वी आर। वी सी है आई एक्स सी, वी आर है आई आर, आई से आई कैंसिल, एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी अभी मैंने बताया वन अपॉन ओमेगा सी होता है, तो टेन फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन अपॉन ओमेगा सी आर। और ओमेगा की जगह अगर हम टू पाई एफ रख देते हैं तो टू पाई एफ सी आर, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये चीज मुझे लगता है क्लियर होगी। अभी इसका नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो क्या है, कि जब परिपथ में प्रेरकत्व
एल वह धारिता सी हो। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, ये एल का सिंबल होता है, ये एल हो गया और ये हो गया सी, इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया किसके साथ में, एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ में, जिसकी इक्वेशन है वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, ये एल है ये सी है, तो इसका विभवांतर हो गया वी एल और इसका विभवांतर हो गया इन दोनों जो प्लेट है संधारित्र की इनके दोनों के सिरों के बीच में जो विभवांतर हो गया वी सी। अब फिर से हमें देखना है कि L के लिए V और I के बीच में क्या रिलेशन है, C के लिए क्या है। तो L की अभी हम बात करें तो VL जो होता है वो धारा I से 90 डिग्री पीछे चलता है, धारा I से कितना पीछे चलता है, 90 डिग्री पीछे चलता है। और अगर VC की बात करें तो VC जो होता है यानी कि जो संधारित्र की धारिता होती है उसके लिए विभवांतर होता है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, यानी कि वो भी क्या होता है, पीछे होता है। यहाँ पर VL क्या था, धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी था और VC क्या है, धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री आगे चल रहा है किससे, धारा I से, ये धारा I हो गई, ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, आगे चल रहा है और ये क्या चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका कल आरेख बन जाएगा, ये हमारा क्या है वी सी है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या होता है अग्रगामी के लिए होता है, ये क्या होता है पश्चगामी के लिए होता है। तो जो हमारा वी है वो क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, क्या होगा वी एल माइनस वी सी। तो यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन लेनी है, वी इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी। क्यों लेना है हमें माइनस, क्योंकि एक तो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि वी एल और वी सी क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए यहाँ पर हमें जो कलांतर होगा वो हमारा कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो वी इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, वी एल माइनस वी सी लेंगे। वी एल इक्वल्स टू होता है आई एक्स एल, वी सी इक्वल्स टू होता है आई एक्स सी, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, वी इक्वल्स टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, आई कॉमन लेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी, वी अपॉन आई इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये क्या हो गया हमारा प्रतिबाधा, जेड इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है कि अब यहाँ पर दो वैल्यू है, इफ़ एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल एंड इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या है, इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी तब धारा क्या होगी, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगी, पश्चगामी का मतलब वो पीछे चलेगी, पश्चगामी होगी। इसका उल्टा देख लेते हैं क्या होगा, इसका उल्टा होगा क्या, इफ xc इज ग्रेटर देन xl, अगर xc क्या होगा xl से बड़ा होगा तब क्या होगा, तब जो धारा होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, क्या होगी 90 डिग्री अग्रगामी होगी। थर्ड जो कंडीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, अगर XL XC के बराबर हो जाएगा तो जो Z होगा प्रतिबाधा होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो I होगा, I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन Z, और Z को हमने रखा क्या, ज़ीरो रखा, तो I क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा यानी कि अनंत हो जाएगा। और यह स्थिति क्या कहलाती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट है ये, यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर और
पूछा भी जाता है ये कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है या अनुनाद आवृत्ति क्या होती है। तो इस स्थिति में जो आवृत्ति होगी, अभी निकाल लेते हैं, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, एक्सएल हो गया ओमेगा एल, एक्ससी हो गया क्या, वन अपॉन ओमेगा सी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा की जगह टू पाई एफ रख देंगे, टू पाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी, टू पाई क्या हो गया, फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी, और एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी। और अब एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम अंडर रूट करेंगे तो फोर का तो टू हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट एल सी। ये हमारे पास में आवृत्ति का फॉर्मूला आ जाएगा, कब, जब एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के, यानी कि अनुनाद की स्थिति में, एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। तो इस स्थिति में एफ जो है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, अनुनादिक आवृत्ति या अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं, या तो अनुनादी आवृत्ति या अनुनाद आवृत्ति इसको बोलते हैं। तो ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको करना है, और ये वाला पोर्शन तो स्पेशली करना ही करना है। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R हो, उस स्थिति में क्या होगा। डायग्राम बनाएंगे इसका, L, ये C और ये हो गया R। किससे अटैच किया इसको, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से अटैच किया, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा T। ये L, ये C, ये R, ये VL, ये VC, और R के लिए विभवांतर हो गया VR। अगर हम ये वाली स्थिति देखते हैं तो फिर से R का तो सिंपल है कि R के लिए क्या होता है, R के लिए धारा I और वोल्टता V दोनों क्या होते हैं, समान दिशा में होते हैं, जिस दिशा में I होता है उसी दिशा में, यानी कि दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। I अगर बढ़ता है तो VR भी बढ़ेगा, I घटता है तो VR भी घटेगा। अगर हम बात करें प्रेरकत्व L के लिए, यानी कि VL के लिए, तो VL के लिए क्या होगा, जो धारा है I, यानी कि VL क्या होता है, धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री आगे चलता है, तो उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हो गया VL। और C के लिए ये 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ये हो गया यहाँ पर VC, ठीक है। तो अब इसको परिणामी ये क्या है, V, इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह इस साइड VL माइनस VC, VL माइनस VC कब, जब VL ग्रेटर होता है VC से, उसके लिए। तो LCR परिपथ के लिए जो परिणामी विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं, V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर। ये देखना है ना कि ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा लंब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। VR की वैल्यू रखेंगे, IR स्क्वायर प्लस I XL माइनस I XC स्क्वायर। I स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर ये बचेगा, और फिर से सेम जैसे पहले किया है इसी तरीके से इसको लिखना है, XL माइनस XC स्क्वायर। इसको हम z स्क्वायर लिख सकते हैं, z स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर, और z इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर ये आ जाएगा। z क्या है यहाँ पर, प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास में, अगर हम चाहें तो XL इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, ओमेगा एल रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, XC इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं इसमें। अभी बात करते हैं हम कलांतर की, टेन फाई, टेन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा, वही फॉर्मूला इसका लगाना है, लंबटे आधार VL माइनस VC अपॉन
वी आर। वी एल हो गया आई एक्स एल, वी सी हो गया आई एक्स सी और वी आर हो गया आई आर। आई कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। किसकी वैल्यू है ये 10.5। अगर हमें कालांतर निकालना हो तो उसके लिए हमें ये वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर इसमें भी फिर से कंडीशन आ जाती है इफ़ एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल, अगर एक्स सी क्या हो एक्सएल से ग्रेटर होगा तब फाई की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव आएगी यानी कि जो धारा आई है वो विभवांतर से क्या होगी आगे चलेगी, किससे आगे चलेगी विभवांतर से आगे चलेगी। अगर एक्स सी